भागलपुर के विश्वविद्यालय ओपी क्षेत्र अंतर्गत पर्वती मोहल्ले में बीते दिनों उपद्रवियों के द्वारा प्रसिद्ध बुढ़िया काली मंदिर परिसर में पथराव की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें उपद्रवियों ने मंदिर के दरवाजे पर तलवार से प्रहार कर दरवाजा को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस उपद्रव में मंदिर की दान पेटी भी टूट गई थी, जबकि इसके बाद पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई और जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के निर्देश पर पूरे मोहल्ले को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वहीं इस घटना में शामिल उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए मोहल्ले के लोग लगातार टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आवाज उठा रहे हैं, जिससे ऐसी घटना को दोबारा कहीं अंजाम नहीं दिया जा सके। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि मां बुढ़िया काली के साथ उनकी गहरी आस्था जुड़ी है और असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही लोगों ने कहा कि भागलपुर जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन घटना के 48 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अब तक इस मामले में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इधर भाजपा जिला इकाई के कार्यकर्ता भी इस घटना और अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने के विरोध में मंगलवार को अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुहर्रम ताजिया जुलूस में और सामाजिक तत्वों द्वारा हिंदू देवी देवताओं और मंदिर में इस तरह की घटना को अंजाम देकर समाज के भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है, लेकिन सरकार और प्रशासनिक तंत्र इस मामले में महज खानापूर्ति करने में लगी है। भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार और पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले में लीपापोती करने के बजाय दोषी को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, जिससे उपद्रवियों के मन में कानून का भय हो। साथ ही कहा कि यदि इस मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती गई तो वे लोग आगे आंदोलन को विवश होंगे। दो दिन पहले जिस प्रकार पर्वती के अंदर जो मुहर्रम के अवसर पर जो ताजिया का जुलूस निकला था, उस ताजिया जुलूस में शामिल असामाजिक तत्वों के द्वारा माँ बुढ़िया काली मंदिर के प्रांगण में उनके पिंडी पर जो पथराव किया गया, मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का जो काम किया गया, उस घटना को अंजाम देने वाले लोगों का अभी दो दिन से ज़्यादा हो गया है, लेकिन उन असामाजिक तत्वों का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और प्रशासन पूरे मामले को लीपापोती करने में लगे हुए हैं। पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। इस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणियाँ भी की है, जिसका कि हम विरोध करते हैं। वह कहीं से भी उचित नहीं है और वह दंडनीय है। जिसकी सजा भी उनको मिली है, वह गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जिस घटना के कारण और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जिसने यह टिप्पणी की, उसको आपने गिरफ्तार किया, आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं कि आपने समाज के माहौल को बिगड़ने से रोकने का काम किया। लेकिन जिस घटना के कारण यह प्रतिक्रिया हो रही है, जिस घटना के कारण लोग उद्वेलित होकर आक्रोशित होकर गलत पोस्ट कर रहे हैं, उस घटना में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। यह प्रशासन की दोहरी मानसिकता, दोहरी रवैया को दर्शाता है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत खंजरपुर मोहल्ले में रास्ते को लेकर पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में मारपीट की घटना सामने आई है, जिसमें जन्म से पहले ही नवजात शिशु की मौत माह के गर्भ में ही हो गई। दरअसल खंजरपुर निवासी सोनू तांती और पड़ोसी टिंकू तांती का आपस में रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन मंगलवार को जब सोनू ई रिक्शा लगाने के लिए अपने घर आ रहा था, तभी टिंकू से उसका विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस दौरान 9 माह की गर्भवती सोनू की पत्नी प्रीति की भी पिटाई दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा कर दी गई और पेट में लात घूंसे के हमले से प्रीति की हालत बिगड़ गई, जबकि बुरी तरह से जख्मी प्रीति ने बीती देर रात एक बच्ची को जन्म दिया, जिसकी पेट में ही मौत हो चुकी थी। इधर सोनू और प्रीति के परिजनों ने दूसरे पक्ष के सूरज तांती, नेहा देवी, नीरज तांती और संजय तांती पर प्रीति के बच्चे की हत्या मारपीट के दौरान कोख में ही कर देने का आरोप लगाया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बच्ची का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। हम आए थे यहाँ पे, मेरा वाइफ, मेरा प्रेग्नेंट थी, हमको यहाँ साथ दिया था लिख के,
क्या अल्ट्रासाउंड कराना है, आज बंद हो गया है, ये बात है शनिवार का, शनिवार को हमको लिख के दिया है क्या, कल आके यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करा लेना, 9 बजे यहाँ पे खुला रहता है इमरजेंसी में, पर 9 बजे हम आए, यहाँ तो बंद था, मुहर्रम का तो संडे था तब बंद था, उस दिन झगड़ा लड़ाई हुआ घरे पे, फिर झगड़ा लड़ाई घरे पे हुआ तो फिर उस समय तो हम आ नहीं पाए, ना थाना भी नहीं जा पाए, बस यही बात है सर, घर पे टोटो लगाएं, मेरा घर यहाँ उसके घर के पीछे, मेरा घर यहाँ, मेरे घर के आगे वो घर बनाया है, कोई है हम नहीं चिनते हैं उसको, मेरे बड़की मम्मी के घर के पास झगड़ा हुआ है ये, हम वहाँ जाते नहीं है, झगड़ा हुआ है गाड़ी लगाने का, ये उसका घर है, बगल में उसका घर है, बगल में भी उसका घर है, मेरा घर है, उसी के घर के दिले मेरा रास्ता आता है, मेरा आंगन में जगह है गाड़ी लगाने का, तो फिर हम रोड पे कहा है गाड़ी लगाए, उसी का द्वार के दिले हम आए, तो बोला कि गाड़ी क्यों लगाए यहाँ पे, तुम गाड़ी बाहर करो, रोड पे लगाओ तुम, बोला ये तो गलत है, कहा कि ये तो मेरा रास्ता है, ये यहाँ पे पहले हम घर बनाए तो रास्ता, ये रास्ता तो मेरा यही है, आपने आज अपने घर के रोड के बगल में घर बना लिया तो ये आपका आंगन तो नहीं हो गया, हमको इस तरह से बोले, वो हमको बोला रे भरवा तुम गाड़ी बाहर करते हो या नहीं करोगे, बस उसी में मेरे पत्नी दो चार बात बोले, उनको झटको पकड़ के घींच के नीचे में दो चार लात उसका पेट में मार दिया, बगल वाले जिससे झगड़ा, उसका नाम है टिंकू नाम है, लेडीज का नाम है टिंकू नाम है, काजल नाम है, काजल नाम है, उसके बाद हुआ फिर कल बच्चा मेरा डेट कर गया, कल डेट कर गया, फिर कल आए तो संजय सूरत 5-6 लड़का हम लोग को मारने के लिए तरस गया। भागलपुर DRDA भवन परिसर से मंगलवार को जिला आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जिले के दूर दराज इलाकों से पहुंचे प्रशिक्षणार्थियों की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम को लेकर आपदा प्रभारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जिले भर के विभिन्न इलाकों से लगभग 200 से अधिक प्रशिक्षणार्थी को आपदा से जुड़े प्रशिक्षण के लिए राजधानी पटना के लिए रवाना किया गया है, जिसके तहत तमाम लोगों को राज्य में होने वाली आपदा से संबंधित जानकारी देकर जागरूक किया जा सके। आपदा प्रभारी ने कहा कि प्रशिक्षण लगभग 10 दिनों तक चलेगा, जिसके बाद किसी भी आपदा की घड़ी में बचाव कार्य के लिए उन्हें जिले के विभिन्न प्रखंडों में भेजा जाएगा, जिससे राहत कार्य आसानी से की जा सके। साथ ही कहा कि इससे आमजनों को भी आपदा से बचाव के लिए जागरूक किया जा सकता है। आपदा प्रभारी शैलेश कुमार शर्मा ने कहा कि प्रकृति और मानव आपदा से जुड़ी तमाम जानकारियां भी लोगों को दी जाएगी। मौके पर जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। विभाग के द्वारा जो है आपदा बचाव से जागरूकता फैलाने के लिए और एक बार ये दूसरी बार भागलपुर से किया जा रहा है, 200 जो है आपदा मित्रों को प्रशिक्षण की मांग की गई है और हम लोग उसी हिसाब से विभिन्न अंचलों से प्रशिक्षार्थी को भेजते हैं, जो 12 दिनों का वहाँ आवासीय ट्रेनिंग पटना में होता है, उनको हर एक तरह के आपदा, केवल बाढ़ नहीं, सुखाड़ है, भूकंप है, इनका आवासीय प्रशिक्षण होता है और ये वहाँ से ट्रेंड आते हैं और समय पड़ने पर आपदा वॉलेंटियर हैं और इनकी ज़रूरत, ये आपदा में बहुत क्रांतिकारी होंगे, अपने क्षेत्र में जन जागरूकता भी फैलाएंगे और आपदा के समय ये लोगों की हेल्प भी करेंगे। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण दियारा इलाकों के खेत गंगा में डूब गए हैं। दरअसल गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी सबौर के निचले इलाकों में घुस गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जियां भी बाढ़ के पानी में डूब गई है। बता दें कि इसको लेकर किसान अपने खेतों से सब्जियां तोड़कर औने पौने दाम पर बेचने को विवश है। वहीं किसानों ने बताया कि सब्जी की खेती के लिए कर्ज लेकर सब्जी की खेती की थी, लेकिन गंगा की धार उनके खेतों की ओर मुड़ जाने से उनका काफी नुकसान हो गया है। साथ ही कहा कि अब इस नुकसान की भरपाई के लिए कहीं बाहर जाकर मजदूरी करना होगा, जिससे कर्ज चुका सके। इसमें परोल है और बोरा है, जो कि सस्ते दाम पे इसको अभी बेच रहे हैं हम लोग गंगा के कारण। गंगा तो 2-4 दिन में इसमें घुस भी सकता है, इसलिए कम से कम दाम में बेच इसको निकाल रहे हैं। गंगा स्तर आ जाएगा तो फिर ये तो डूबिए जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं होगा फिर। तो क्या करते, इसी पे आप लोग का जीवन यापन होता है? हाँ, इसी पे जीवन यापन है। तो गंगा इधर तेजी से बढ़ रहा है कि? हाँ, गंगा तो पूरा तेजी से तूफान से बढ़ रहा है। अच्छा, और क्या क्या गंगा यहाँ तबाही लेकर के आती है इस इलाके में? बस फसल का नुकसान होता है, कुछ घर द्वार में पानी घुस जाता है। अच्छा। इसमें ज्यादा क्षतिपूर्ति तो नहीं होता है, लेकिन गाय माल का हल्का फल्का नुकसान हो जाता है। भागलपुर में दहेज उत्पीड़न का मामला
देखने को हमेशा मिलता रहता है, जिसमें कई बार विवाहिता की हत्या कर दी जाती है, जबकि कई बार परेशान होकर पीड़ित महिला या उसके परिजन पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हैं। दरअसल भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरैनी ख्वाजा नगर निवासी मोहम्मद फरीद और उसकी पत्नी बीबी तबस्सुम के साथ उनकी पुत्री शाइस्ता की उसके दामाद और उनके बेटी के ससुराल वालों ने जमकर पिटाई कर दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि इलाज के दौरान अस्पताल में भी उन्हें डर सता रहा है। मामले को लेकर पीड़िता शाइस्ता ने बताया कि 2017 में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ उनकी शादी पुरैनी ख्वाजा नगर पश्चिम टोला निवासी राशिद से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही राशिद और उसके घर वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी और इसको लेकर अक्सर उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। पीड़िता ने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके मायके वाले 2 लाख रुपए कैश, बाइक और जमीन की मांग कर रहे हैं और इस दौरान काफी प्रताड़ना से तंग आकर वह बीते कुछ महीनों पूर्व अपने माता पिता के पास रहने चली आई। शाइस्ता ने बताया कि उसके मायके भी लड़के वाले आकर उसकी पिटाई करते थे और बीते दिन ससुराल वालों ने उसके साथ उनके माता पिता की भी बेरहमी से पिटाई कर दी। साथ ही कहा कि इसको लेकर पंचायत भी बैठाई गई थी, लेकिन पंचायत के लोग भी लड़के वाले का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा शाइस्ता ने बताया कि उनकी माँ बीबी तबस्सुम अपनी शिकायत लेकर नजदीकी थाने भी गई, लेकिन पुलिस ने भी मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि फिलहाल शाइस्ता और उसके माता पिता तीनों घायल अवस्था में मायागंज अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज जारी है। वहीं पीड़ित शाइस्ता ने अपने 3 बच्चों से मिलने की गुहार पुलिस प्रशासन से लगाते हुए ससुराल वालों से अपनी और अपने माता पिता की जान को खतरा बताया है। इधर मामले को लेकर थानेदार अमित कुमार ने बताया कि फिलहाल इस मामले की कोई जानकारी उन्हें नहीं है और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। हरकत करके मारते रहता, वो घर में नहीं रहता तो उसकी माँ बहन सब मारती है, वो घर में रहता तो वो भी मारती है। क्यों मारता? कोई सा भी नौके लगा के खाना बना के रखते है, मिर्ची डाल देती है, नमक तेज कर देती है, खाना बना करके रखती है, बकरी को खिला देती है हमारा ऐसे को खाना। अब बाथरूम जाते हैं ऐसे दरवाजा खोल देती है, नहाने जाते थे बीच। ये हरकत कौन करता है? सास और मेरी ननद करती है। और पति को इसके बारे में बताई थी? पति को बताते हैं तो बोलती अम्मी है, क्या बोल सकते उसको, हम उसको क्या बोले। फिर मेरे तुम्हारे पक्ष में अगर पति, फिर दहेज क्यों मांग रहा है? मेरे पक्ष में नहीं है। नहीं है, नहीं है। अच्छा, दहेज कौन कौन मांगता है? मेरा पैस, मेरा सवार पहले बोला था उम्मी को बोलो जमीन देने के लिए, हिस्सा मांगो, नहीं देगा तो बोलो यही कुछ रोजगार करेंगे, 2 लाख रुपया बोलो देने के लिए, नहीं तो मोटरसाइकिल बोलो, जमीन बोलो। मेरी बेटी को वो लोग बार बार कहते रहता, तुम्हारा माँ बाप गरीब रहे, कुछ भी रहे, जहाँ से दे तुम अपने माँ बाप को बोलो कि 2 लाख रुपया देगा, हम यहाँ में बिजनेस करेंगे, और एक कट्ठा बोलो जमीन देने के लिए, और एक मोटरसाइकिल बोलो देने के लिए, और अगर नहीं दोगे तो ऐसे मारते रहेंगे। कौन बोलता है ये बात? ये बोलता है, दामाद भी बोलता है और सास भी बोलती है, ननद भी बोलती है, मतलब सबका बात वही एक ही गिरता है, और अगर नहीं दोगे चाहे तो यूपी में ले जाके बेचवा देंगे, और नहीं तो ऐसे मारते मारते मार देंगे, और नहीं तो तीसरा नंबर कि नहीं तो छोड़वा देंगे, और वही किया सर। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत पर्वत्ता थाना क्षेत्र के बड़ी अलालपुर से एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस के द्वारा कुछ युवकों से छीना झपटी करते साफ तौर पर देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि बड़ी अलालपुर के रहने वाले शिक्षक नंद किशोर मंडल का उसके पड़ोसी गोपाल ठाकुर से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, और शिक्षक नंद किशोर मंडल के द्वारा अपने मकान में दीवार देने का काम किया जा रहा था। वहीं इसकी सूचना पड़ोसी गोपाल ठाकुर के द्वारा पर्वत्ता थाने पुलिस को दी गई, जिसके बाद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे पर्वत्ता थाना के एसआई अशोक कुमार मंडल का निर्माण स्थल पर नंद किशोर मंडल के लड़के और भतीजे ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन युवकों द्वारा वीडियो बनाना पुलिस को नागवार गुजरा और पुलिस के जवानों ने युवकों से मोबाइल छीनने का प्रयास किया। इधर लोगों का कहना है कि पुलिस जब मामले की जांच करने के लिए पहुंची थी तो उसे वीडियो बनाने से किस बात का डर सता रहा था जो वह युवकों का मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगे।
भागलपुर के रामसर विक्रमशिला कॉलोनी स्थित जंगली काली महारानी मंदिर परिसर में मंगलवार से 9 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर बाबा भोलानाथ मंदिर घाट से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शहर की सड़कों पर महिलाएं सिर पर कलश रखकर शोभा यात्रा में शामिल हुई, जबकि कलश शोभा यात्रा भोलानाथ मंदिर से निकलकर शहर का भ्रमण करते हुए रामसर विक्रमशिला कॉलोनी स्थित जंगली काली मंदिर पहुंची, जहां 9 दिवसीय भागवत कथा की शुरुआत हुई। वहीं इसको लेकर रामसर विक्रमशिला कॉलोनी जंगली काली मंदिर पूजा समिति के अध्यक्ष रामजी साने बताया कि भागवत कथा के दौरान उत्तर प्रदेश गोरखपुर निवासी कथावाचिका अनुष्का पाठक के द्वारा कथावाचन किया जाएगा। भागलपुर जंगली काली स्थान रामसर मोहल्ला विक्रमशिला कॉलोनी से शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जो कि भोलानाथ मंदिर से कलश शोभा यात्रा निकाला गया। पूरा भागलपुर भ्रमण करते हुए ये शोभा यात्रा विक्रमशिला कॉलोनी जंगली काली स्थान में खत्म हुई। इसके बाद यहाँ दूसरा प्रोग्राम रखा गया भागवत कथा का, जो पिता पुत्र एक ही मंच पर कथा वाचेंगे। इनके लिए भागलपुर के तरफ से हम लोग सहयोग द्वारा किया जा रहा है, समूचा भागलपुर समाज के तरफ से। भाजपा झुग्गी झोपड़ी मंच के शंकर प्रसाद गुप्ता ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है। भागलपुर राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने शंकर प्रसाद गुप्ता को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद प्रमाण पत्र देकर राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। वहीं राजद का दामन थामने के साथ ही शंकर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बीजेपी में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने राजद में शामिल होने का निर्णय लिया है और वह पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेवारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। इधर राजद की सदस्यता लेने के बाद मिठाई खिलाकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने शंकर गुप्ता को फूलमाला पहनाया और बधाई दी। आज हम बहुत दिन से मतलब बीजेपी में थे, आज राजद में हम लोग आए हैं, इसलिए सब जनता खुश है। हम लोग झुग्गी झोपड़ी मंच का आज जो है शपथ लिए हैं राजद का। बीजेपी छोड़े कि हम लोग को सम्मान नहीं मिलता था और अध्यक्ष सब अपना मनमानी करते थे। हम लोग गरीब आदमी हैं, रोड पर चलने वाले आदमी हैं, हम लोग का वैल्यू नहीं दिया जाता था। शहनवाज हुसैन जी बोले उनको, संतोष बाबू को, लेकिन हम लोग तो पैदल चलने वाला आदमी है, इसलिए हम लोग का वैल्यू नहीं दिए, इसलिए हम लोग जो है ना इस्तीफा दे दिए और हम लोग सब खुश हैं।